कोरोना के कम होते मामलों के बीच दिल्ली में लगी पाबंदियों को कम कर दिया गया है। डीडीएमए ने वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन हटाने के साथ ही कई और पाबंदियां भी हटा दी हैं। डीडीएमए के इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत उन व्यापारियों को मिली है जिन्हें वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन की वजह से व्यापार में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सदर बाजार में इस फैसले के बाद खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके बाद आज साधारण तरीके से बाजार खोले गए और व्यापारी खुशी मनाते नजर आए। आज जो हमारी व्यापारियों की जीत हुई है, वो व्यापारियों के साथ साथ मेरे ये हजारों लाखों मजदूर बंधुओं की भी जीत हुई है। व्यापारी एक, इन्होंने भी पूरे हमारे आंदोलन में हर तरफ से साथ दिया, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे हमारे साथ आंदोलन में खड़ा होना हो या किसी प्रकार का भी। जितने हम व्यापारी लोग संत हैं, उतने ही हमारे मजदूर भाई भी संत हैं। बाजार खुलने के फैसले का जश्न व्यापारियों ने मिठाई बांटकर और केक काटकर मनाया। व्यापारियों ने उनको पाबंदियों में ढील देने के फैसले के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया। उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से अब वो आगे होने वाले नुकसान से बच पाएंगे। 135 चैनलों ने और ये पेपरों ने अपने अखबारों में चैनलों पर मुख्यता से दिखाया। ये आवाज नरेंद्र मनोहर लाल कुमार जी की, फेडरेशन की और आप सबकी आवाज थी। ये बहुत बड़ी जीत है जिसे हमारे महामहिम राज्यपाल श्री अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे दर्द को समझा और आज से ऑड इवन और कर्फ्यू ऑर्डर समाप्त कर दिए। ये व्यापारी जगत की जीत है, परमजीत सिंह पम्मा की जीत है, एक एक व्यापारी के परिवार की जीत है और हमारे लिए एक ऐसा रास्ता खुल गया कि अगर हम सभी लोग अपने मतभेदों को मिटाकर दिल्ली के 9 लाख व्यापारी और सभी संस्थाओं के अध्यक्ष और मंत्री एकमत होकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे। दिल्ली में कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों की वजह से व्यापारियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। बीते 2 साल वैसे भी व्यापारियों के लिए काफी बुरे गुजरे हैं, जिसके बाद व्यापारी लगातार ऑड इवन को हटाने की मांग कर रहे थे ताकि वो इस नुकसान से निकल पाए और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। यही वजह है कि सरकार के पाबंदियों में ढील देने के फैसले से व्यापारियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। दिल्ली से मोहम्मद इरफान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।